नटराज आर्ट्स के चेयरमैन नीरज गुप्ता जी पहुंच चुके हैं। एक बार मैं चाहूंगा स्टेज पर आए नीरज गुप्ता जी, जोरदार तालियों द्वारा स्वागत। बहुत ही कम समय होता है इनके पास और आज ये यहाँ पहुंचे हैं हौसला बढ़ाने के लिए। और अभी एक अनाउंसमेंट होने लगी है बहुत ही जल्द, वो आपको बता दी जाएगी कुछ देर में। मैं चाहता हूँ लक्की जी अनाउंस करें आज कि आगे कौन सा एक धमाका करने जा रहे हैं नीरज जी के साथ मिलकर। आइए बताते हैं आपको लक्की जी। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि हमारे नीरज जी की कंपनी श्री हंस आर्ट एंड क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, इसके बैनर तले एक पिक्चर बनी है अभी विनाश का, जिसके प्रोड्यूसर हमारे नीरज गुप्ता जी, जरा जोरदार तालियां कह दीजिए। सिनेमा हॉल के पर्दे पे आई जिसमें राखी सावंत और राखी सावंत का जो भाई है वो उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर है और साथ में हमारे नीरज जी प्रोड्यूसर है। पहली फिल्म इन्होंने लॉन्च करके फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री दर्ज करा दी है और फीचर फिल्म बनाने जा रहे हैं नीरज गुप्ता जी। और उसका आज जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर का नाम आज अनाउंस करेंगे, स्टोरी भी आ चुकी है। आज हम इतना बड़ा अनाउंस करने जा रहे हैं और डायरेक्टर का नाम अनाउंस करेंगे हमारे क्लब के चेयरमैन नीरज गुप्ता जी। थैंक यू मैडम। जैसा कि बताया अभी लक्की भाई ने, तो हमारी जो आने वाली अगली फिल्म है उसके डायरेक्टर का क्योंकि नाम अनाउंस करने के लिए मुझे बोला है, तो मैं बुलाना चाहूँगा बॉबी कुरैशी जी। हमारे भी चैनल ये देखिए वन मैन शो है, मल्टी टैलेंटेड है, एडिटिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं और तो फोटोग्राफी भी खुद ही कर लेते हैं, शूटिंग भी खुद ही कर लेते हैं। तो मैंने यार इतने सारे लोगों का काम अकेले कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत काम के शख्स साबित हो सकते हैं, तो मैंने अपने साथ जोड़ा है, अपनी कंपनी में हमारे साथ ये आगे काम करेंगे। थैंक यू जोरदार तालियां। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा नटराज आर्ट क्लब का, जो लक्की कश्यप जी ने मुझे ये मंच दिया और इस मंच पर एक ऐसी शख्सियत थी जानी मानी जो बॉलीवुड से ऑलरेडी एक फिल्म रिलीज कर चुके हैं। मैं बता दूँ आपको नेशनल लेवल पर 1200 सिनेमा घर पर यह फिल्म चल रही है। तो आज मुझे इस मंच पर अनाउंस कर कर जो इज्जत नवाजी है मेरे भाई ने नीरज गुप्ता जी ने, मैं एक ही वादा करता हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं जो कहता हूँ उसे करना चाहता हूँ, उसमें आप लोगों की सरपरस्ती और ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे। तो दोस्तों हाल ही में जल्दी इसका एक ऑडिशन रखा जाएगा जिसमें कि चुनिंदा लोगों को हम इन्वाइट करेंगे, बाकी बॉलीवुड के इसमें स्टार कास्ट काफ़ी रहेगी। हमारे नीरज गुप्ता जी जैसे ही इस फिल्म की डेट बताएंगे और इस फिल्म की जो कि हम ऑडिशन की तारीख फिक्स करेंगे वो आप तक अपडेट हो जाएगी। मैं लक्की कैशव जी को इन्वाइट करना चाहता हूँ, प्लीज कम अदर स्टैंड। जोरदार तालियां दोस्तों। और नीरज गुप्ता जी ने तो ये प्रूफ करके दिखा दिया कि चेयरमैन ऐसे होते हैं और मुझे बड़ा प्राउड है जब ये चेयरमैन बने थे उसके दूसरे दिन ये मर्सिडीज ले गया। दिल होना चाहिए पैसा लाना, तो इन्होंने तालकोटरा बुक किया, लेकिन अभी हमारा अगले महीने फाइनल होने जा रहा है होटल के अंदर, वो सौवा इवेंट होगा और हमारी कोशिश होगी हमारी पिक्चर बन रही है उसकी सारी स्टार कास्ट उस प्रोग्राम के अंदर आएगी। जोरदार तालियां, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम जनवरी के अंदर फिल्म कंप्लीट कर लें और बड़ा जुनून है हमारे बॉबी भाई के अंदर, तो ये पता नहीं था किसी को, हमने छुपा के रखी थी, आज हमने अनाउंस किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है। पर मुझे नहीं पता था, बचपन में सोचा था कि हम इंडस्ट्री में एंट्री करेंगे कब करेंगे हमारे, पर ये नहीं पता था इतनी जल्दी हो जाएगी। 100 इवेंट पर जाकर के नीरज भैया ने मुझे जिताया है और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। हमारे क्लब की पूरी टीम उनका धन्यवाद करेंगी जिसमें हमारे गुरफाम जी थी। थैंक यू।